हाय वेलकम टू बॉलीवुड राउंडअप विद नैना ओबेरॉय एट टैग टीवी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रिटी हॉट एंड टेम्पटिंग गॉसिप फ्रॉम बॉलीवुड। सबसे पहले बात करते हैं मूवी रिव्यूज़ के बारे में। पति पत्नी और वो रिलीज हो चुकी है। ये कार्तिक आर्यन के करियर में सबसे ज़्यादा बड़ी ओपनिंग रही है। इस मूवी ने 9.1 करोड़ की ओपनिंग दी है एंड सेकेंड डे पर इसका प्रॉफिट था 13.55 करोड़ का। संडे को भी इस मूवी ने 14.51 करोड़ का काम किया और टोटल इसका प्रॉफिट रहा है 35 करोड़ का। एंड कार्तिक आर्यन की मूवी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। इसका ओवरऑल वीकेंड कलेक्शन 35 करोड़ का था, लेकिन प्यार का पंचनामा वन जो कि 2011 में रिलीज हुई थी उसका वीकेंड कलेक्शन खाली 3.25 करोड़ का था। इससे पता चलता है कार्तिक आर्यन इज अनस्टॉपेबल, उनका करियर ऐसे जा रहा है राइज पर। और उसके अलावा अनन्या पांडे और भूमि ने भी इस मूवी में काफ़ी अच्छा किरदार निभाया है। ओवरऑल ये मूवी बहुत ज़्यादा कॉमेडी और फनी है एंड लोगों को काफ़ी हंसाती है। ये मूवी 1978 की पति पत्नी और वो का रीमेक है, जिसकी प्लॉट में हल्का सा ज़्यादा ट्विस्ट और हल्की सी ज़्यादा कॉमेडी है। अच्छी मूवी है। कार्तिक आर्यन की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है। देखा जाए तो तीनों की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है और अपार शक्ति का साइड रोल काफ़ी अच्छा है। अनन्या पांडे हैं, भूमि पेडनेकर, हाँ दोनों का किरदार काफ़ी अच्छा बनाया गया है और स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है, कॉमेडी वगैरह बहुत अच्छी है। बेस्ट मूवी, बेस्ट सीन्स, बेस्ट कॉमेडी। कार्तिक आर्यन एकदम अच्छा है, एकदम हैंडसम लग रहा है, एकदम। भूमि पेडनेकर हैं, अनन्या पांडे, यस वो भी एकदम अच्छी एक्टिंग की है दोनों ने। हाँ अखियों से गोली मारे। अब बात करते हैं आशुतोष गवारिकर के पानीपत के बारे में। ये मूवी पानीपत की थर्ड वॉर पर बेस्ड है जो कि 1769 में हुई थी, जिसके अंदर अफगान किंग ने मराठास को हरा दिया था। इस मूवी में अफगान किंग का किरदार निभा रहे हैं संजय दत्त, जो कि बहुत ब्यूटीफुली अपने कैरेक्टर में घुस चुके हैं एंड पूरा जस्टिफाई कर रहे हैं अपने कैरेक्टर को। और अर्जुन कपूर सदाशिव राव का किरदार निभा रहे हैं, जो कि मराठास की टीम को लीड करते हैं। इस मूवी के अंदर उनकी सारी स्ट्रैटेजी, सारे के सारे प्लान, सब कुछ बहुत अच्छे से चैनलाइज किया गया है और बहुत ही अच्छे डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रखा है। लेकिन इस मूवी के अंदर खाली एक ही ड्रॉबैक है, वो ये है कि ये मूवी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है, टू मच डिटेल। और ये मूवी 3 घंटे की है, लोग देख देख कर ये मूवी को बोर हो जाते हैं एंड वो हॉल में से उठकर जा रहे हैं। कृति सेनन काफ़ी अच्छा किरदार निभा रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि शी इज़ टू मच मॉडर्न फॉर दिस रोल, वो इस रोल में पूरे तरीके से फिट नहीं आ रही है। जैसा कि ये मूवी पति पत्नी और वो के साथ रिलीज़ हुई थी तो इन दोनों के बीच में बॉक्स ऑफिस का काफ़ी बढ़िया कंपटीशन है, लेकिन ये मूवी पति पत्नी और वो से कम पैसे कमा रही है। फर्स्ट डे इस मूवी ने 4.68 करोड़ का काम किया, सेकेंड डे 5.78 करोड़, थर्ड डे 7.78, अप्रॉक्सीमेटली 16 करोड़ का काम हुआ है वीकेंड पर। और ये मूवी पति पत्नी और वो से कम बेहतरीन है। ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, इस मूवी का नाम पानीपत द ग्रेट बिट्रेयल क्यों है, इसके अंदर ऐसा क्या बिट्रेयल दिखाया गया है कि इस मूवी को ये टाइटल दिया गया है।
कि इनफैक्ट ये जो फिल्म है ये मुझे था कि बच्चे ज़्यादा देखें, क्योंकि हिस्ट्री है, ऐसा कुछ है जो ऑलरेडी जो हुआ है हमारी हिस्ट्री में, और हमें ज़्यादा नहीं पता है इस चैप्टर के बारे में. मुझे तो नहीं पता था एटलीस्ट पहले, तो मैं चाहती थी कि ये देखें. और अब इनसे पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में कुछ पूछा जाएगा तो सबको पता होगा क्या है. एंड आई थिंक इट्स समथिंग दैट आई एम प्राउड ऑफ, एंड आई वॉन्टेड देम टू ऑल्सो सी एंड जस्ट नो अबाउट यू नो द ब्रेव वॉरियर्स दैट वी हैड. जैसा कि हम जानते हैं कि गुड न्यूज़ रिलीज़ होने वाली है 23rd ऑफ दिसंबर को, और इस मूवी के अभी तक दो गाने रिलीज़ हो चुके हैं. पहला गाना सौदा खरा खरा, जिसमें दिलजीत दोसांझ, कियारा और अक्षय कुमार ने डांस किया है, और लोगों को वो काफ़ी ज़्यादा मनोरंजक लग रहा है, और ये गाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों को क्योंकि रीमेक है पुराने गाने का, और इस गाने पर 20 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं. दूसरा गाना माना दिल, जो कि काफ़ी ज़्यादा टचिंग सॉन्ग है, और बी प्राक ने एक बारी फिर से ऑडियंस को अपनी सूदिंग आवाज़ से इम्प्रेस कर दिया है. ये गाना थोड़ा टची सा है, और करीना कपूर एंड अक्षय कुमार इस गाने की वीडियो में है. इमरान हाशमी की मूवी द बॉडी का एक नया गाना आ चुका है, झलक दिखला जा रीलोडेड. ये गाना एक हफ्ते पहले आया है, और इस गाने पर 16 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं. ये गाना पहले भी एक बारी आ चुका है 2006 में अक्सर मूवी में, जिसमें इमरान हाशमी ही एक्टर थे. ये गाना तब भी हिमेश रेशमिया ने गाया था, और अब भी उन्होंने ही गाया है. उस टाइम पर यह गाना सुपर डुपर हिट था, और आज भी हमें पता है ये गाना सुपर डुपर हिट हो जाएगा. अब बात करते हैं बिग बॉस सीजन 13 के बारे में. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितनी लड़ाइयाँ बिग बॉस 13 में हो रही हैं, उससे पहले किसी भी बिग बॉस के एपिसोड में इतनी लड़ाइयाँ नहीं हुई. इतने धक्का मुक्की, इतने लड़ाई झगड़े, इतनी अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं सारे के सारे कंटेस्टेंट्स, कि सलमान खान हार के ये बोलते हैं कि आप में से जिसको घर जाना आप चले जाइए, क्योंकि इस सीज़न में आउट ऑफ 13 कंटेस्टेंट्स 9 कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को धक्का मुक्की कर चुके हैं, और उन सबको बाहर हो जाना चाहिए इससे पहले वो दूसरे पर उंगली उठाए. रश्मि,
की उंगली में फ्रैक्चर हो चुका है तो वो बोलती है कि सना को बाहर निकाल देना चाहिए वरना मुझे बाहर निकाल दे। लेकिन जब सलमान खान ने कहा कि जिसको बाहर जाना चाहिए तब कोई भी बाहर जाने को रेडी नहीं था। और हमें ये भी पता चला कि अरहान खान का एक बच्चा है जिसके बारे में रश्मि को कानों कान खबर नहीं थी। रश्मि काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई और उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हो चुका है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अरहान खान ने उन्हें धोखा दिया है। सलमान खान ने ये बात सबके सामने करी तो सलमान खान भी थोड़े गिल्टी फील कर रहे थे और वो घर के अंदर गए इन दोनों का मैटर सॉल्व करवाने के लिए। लास्ट वीक हिमांशी कुरहाना का एलिमिनेशन हो चुका है। जैसे कि वो पंजाब की बहुत बड़ी स्टार थी तो उन्हें उम्मीद थी कि लोग उन्हें बचा लेंगे, बट सैडली घर में वो कुछ नहीं कर रही थी, इस चक्कर में उनका एलिमिनेशन हो चुका है। एंड इस एलिमिनेशन से सबसे ज़्यादा सैड हुए आसिम और शेफाली। शेफाली उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो काफ़ी ज़्यादा रोई और आसिम तो अपना आपा ही खो बैठे थे, वो हिमांशी से प्यार करते थे और इस चक्कर में उनके एलिमिनेशन के बाद उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला से बिना बात की लड़ाई मोड़ ली। और सिद्धार्थ शुक्ला अब कह रहे हैं कि वो किसी से नहीं लड़ेंगे, सबकी हाँ में हाँ ही मिलाएंगे क्योंकि ऑडियंस यही देखना चाहती है और घर वाले भी उसी चीज़ में खुश होंगे जब वो सबकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। हमें ये भी पता चला है कि सिद्धार्थ शुक्ला और पारस छाबड़ा एक सीक्रेट रूम में जा रहे हैं जिसके बारे में घर वालों को कुछ नहीं पता और वो बिग बॉस 13 के सारे एपिसोड्स देखेंगे उस सीक्रेट रूम में और जान जाएंगे कि उनका असली दोस्त कौन है और कौन उनके पीठ पीछे बुराई करता है। तो गेम इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इसी के साथ साथ विकास गुप्ता जी जो कि सीजन 12 के फाइनलिस्ट थे वो भी बिग बॉस 13 के घर में आ चुके हैं देवोलीना की जगह। विकास गुप्ता जिनको पूरी दुनिया मास्टरमाइंड के नाम से जानती थी और लास्ट ईयर उन्होंने पूरी दुनिया को एंटरटेन किया शिल्पा शिंदे के साथ मिलके, उनको टाइटल मिला गुप्ता जी का और बहुत ज़्यादा एंटरटेन हुआ था सीजन 12 में। तो इस बार भी हो सकता है विकास गुप्ता इस सीज़न को बहुत ज़्यादा अच्छे ट्विस्ट के साथ लेकर आए। वीकेंड का वार में रानी मुखर्जी आई बिग बॉस में और उन्होंने सलमान खान के साथ मिलकर काफ़ी क्यूट से टास्क करे, उन्हें जलेबी खिलाई और हमें फिर से चोरी चोरी छुपके छुपके का लिटिल वर्जन देखने को मिला। और वो मर्दानी 2 की प्रमोशन करने आई, उन्होंने बताया है कि वो कैसे रेप केसेस के पीछे अपसेट हो जाती है और वो विमेन को हिम्मत देने के लिए ये मूवी करती हैं ताकि लोग इन मूवीज़ को देखें और उन्हें रियलाइज़ होए कि विमेन कम नहीं है और वो अपने लिए आवाज़ उठा सकती हैं। इसी के साथ साथ दबंग 3 की कास्ट भी आई बिग बॉस 13 में जिसमें सोनाक्षी सिन्हा, साई मंजरेकर, सुदीप सेट पर आए और उनके साथ साथ आए प्रभु देवा। उन लोगों ने मिलकर दबंग 3 के बारे में बातें करी और उसके अलावा जो साई मंजरेकर है वो महेश मंजरेकर की डॉटर हैं जो दबंग 1 में देखने को मिले थे, सोनाक्षी सिन्हा के फादर का रोल कर रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं मुन्ना बदनाम हुआ गाना रिलीज़ हो चुका है एक हफ्ते पहले और उस पर 35 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। उसी के साथ साथ 3-4 दिन पहले एक नया गाना रिलीज़ हुआ है नैना लड़े जिसमें सलमान खान और साई मंजरेकर हैं। इट्स अ वेरी सॉफ्ट टचिंग सॉन्ग और इस गाने पर 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। हफ्ते रजनीकांत जी का बर्थडे है एंड ही इज टर्निंग 69 ईयर्स ओल्ड ऑन 12th ऑफ दिसंबर, सो वी विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम द टैग टीवी फैमिली। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट मूवीज दी है और ये साउथ के भगवान माने जाते हैं। एक टाइम पर ये एशिया के टॉप पेड एक्टर भी रह चुके हैं और साउथ में इनके काफ़ी ज़्यादा मंदिर हैं। इनकी रीसेंट हिट मूवीज थी कबाली, रोबो 2.0, शिवाजी द बॉस,
काला और ये मूवीज के बाद ऑडियंस इनकी फैन बन चुकी थी और आज भी इनकी कोई भी मूवी थिएटर में लग जाए तो वो हाउसफुल ही रहती है। उसके अलावा इन्होंने शाहरुख खान के साथ कैमियो भी किया था रावण के अंदर। प्रियंका रेड्डी रेप केस के बाद सारे के सारे बॉलीवुड स्टार्स काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गए थे और जैसे कि उन चारों का इनकाउंटर हुआ तो कुछ कुछ सेलिब्रिटीज़ बहुत खुश थे और कुछ कुछ बहुत अपसेट। डेजी शाह जो कि जय हो में सलमान खान के साथ आई हैं, उन्होंने कहा कि रेप एक्यूज पीपल डोंट डिजर्व टू लिव, उनको कोई अधिकार नहीं है इधर रहने का और उनको मार ही देना चाहिए। इट्स अ थम्स अप फ्रॉम मी। आई मीन ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। आई मीन हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, उसके लिए कर क्या रहे, कुछ नहीं, मुँह है बस बोल दिया, बट एक्शंस, आई थिंक एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सो इट्स अबाउट टाइम दैट दिस इज़ दी अवेकनिंग। इससे ज़्यादा और कितने किस्से चाहिए आपको समझने के लिए कि ऐसे लोगों को I don't think they deserve to live. On the other hand, Diya Mirza का कहना है that she is not in the favor of encounters. वो कहती है कि एक judicial system exists करता है इस country में और उस वो system enough है अपराधी को सजा देने के लिए। Encounter नहीं होना चाहिए था, लेकिन पूरी कार्रवाई होने के बाद ही accused को एक सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन इन इनकाउंटर से ये फ़ायदा तो हो गया है कि शायद अब लोग डरेंगे क्योंकि रेप विक्टिम्स को इंसाफ मिलना शुरू हो चुका है। और भी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं ऐसे हमारे देश में और भी एक चीज़। आपको लगा कि उनका इनकाउंटर होना सज़ा मिलना है? नहीं, मतलब कि ये सवाल ही गलत है ना, क्योंकि एक जुडिशियल सिस्टम एग्जिस्ट करता है ताकि सबको, अपराधी को और मासूम को मौका मिले अपने अपराध या मासूमियत को साबित करने का। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनकाउंटर्स। I think it's deeply disappointing that this has happened, but I really hope and wish and pray ki jitni bhi aisi ghatnaen ghati hain un sab ke jo apradhi hain unhe saza kadi se kadi saza mile,
लाइफ सेंटेंस मिले या डेथ सेंटेंस मिले, लेकिन ये जो एनकाउंटर वाला मामला है कुछ समझ में नहीं आया। राजकुमार राव और नुसरत भरूचा की एक नई मूवी रिलीज होने जा रही है। इस मूवी का नाम पहले तुरहम खान था, लेकिन अब वो चेंज करके छलांग हो चुका है। ये नुसरत भरूचा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है और कह रही है कि मूवी 31 दिसंबर 2020 को रिलीज होने वाली है। इट्स अ कॉमेडी फिल्म, तो ये मूवी का कॉन्सेप्ट भी हमें बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। डीजे एलन वॉकर सनबर्न फेस्टिवल में आ रहे हैं इस बारी और वो ऑलरेडी मुंबई अराइव कर चुके हैं। वो टाइम से पहले आ चुके हैं, जिनके गाने पूरा बॉलीवुड और पूरी की पूरी इंडिया सुनता है, फेडेड आई एम ऑन माई वे टाइप गाने, तो वो इस सनबर्न फेस्टिवल में जा सकते हैं एंड इनको एंड इसको इन्जॉय कर सकते हैं। Thank you for watching Bollywood Roundup with Naina Oberoi at TAG TV. See you next week.